हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आप सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल में जिसका नाम है लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। मित्रों, यहां पर मैं जानकारी देने वाला हूं कि वर्ग दो अर्थात मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो यहाँ पर जॉब निकली हुई है उनके बारे में, जॉब नहीं निकली हुई है माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ये पात्रता परीक्षा है। मतलब ये आपको पहले जो है आपको इसको क्वालिफाई करके आप एक और एग्ज़ाम होगा, तो ये केवल क्या है, ये पात्रता परीक्षा है। ओके, इसमें आपके लिखे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक के साथ साथ खेल संगीत गायन वादन, मतलब म्यूजिक टीचर की भी जॉब निकली है। प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन नृत्य के साथ साथ मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक खेल शिक्षक संगीत गायन वादन के लिए पात्रता परीक्षा 2023। मतलब ये केवल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ओके मित्रों, तो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस टेस्ट को निकालने के बाद आप इस जॉब को करने के लिए एलिजिबल तो हो जाएंगे, परंतु इससे आपको जॉब मिलेगी ये निश्चित नहीं है। इसके बाद एक और एग्जाम होगा जो आपका सब्जेक्टिव होगा। आइए तो देखते हैं, ये इसमें प्रारंभिक तारीख आपको दी गई है, तो ये लॉन्च कब हो रहा है पेपर, ये 30/1/2023, मतलब कि 30 जनवरी की प्रारंभिक तिथि है और अंतिम तिथि 13 फरवरी रहेगी। ओके, संशोधन कराने की 30 तारीख है, 30/1/2023 से संशोधन करेंगे और अंतिम तारीख है 18 फरवरी 2023। तो यदि आप अनारक्षित हैं तो 500+100=600 रुपये का पेपर है और SC ST and OBC और साथ ही साथ जो अभ्यर्थी हैं, जो निःशक्त हैं, उनके लिए पेपर 300 रुपये का है। ओके, और पोर्टल चार्ज वगैरह तो आप देख लीजिएगा जो भी है। टाइमिंग देखिए 25 अप्रैल से पेपर शुरू होगा, मतलब वही गर्मियों की शुरुआत हो जाएगी और आपके पास दो पाली में पेपर होगा, सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक और दोपहर 12 से लेकर रिपोर्टिंग टाइम है, तो 7 से लेकर 8 बजे रिपोर्टिंग करेंगे और 8 से लेकर 8:50 से 9 निर्देश पाने तक का समय एंड देन इसके बाद 9 से लेकर 11:30 बजे, मतलब 2.5 घंटे तक का ये टेस्ट है, 230 मिनट का ये टेस्ट है। कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा, वो उसकी जानकारी बाद में कर लेंगे। देखिए ये सारी चीज़ तो आप पढ़ लीजिएगा कि परीक्षा केंद्र में क्या क्या ले जाना जरूरी है। ओके, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या क्या पद निकले हुए हैं, तो माध्यमिक शिक्षक के शिक्षक पद निकले हुए हैं यहाँ पे, स्कूल शिक्षा विभाग का भी निकला है और जनजाति कार्य विभाग के भी निकले हुए हैं। देन इसके बाद माध्यमिक शिक्षक के खेल के निकले हुए हैं और ये पात्रता, और ये स्कूल शिक्षा विभाग में निकला हुआ है, जनजाति में नहीं निकला हुआ है। देन इसके बाद संगीत गायन और वादन, और इसमें संगीत गायन और वादन के पद निकले हुए हैं। फिर प्राथमिक शिक्षक खेल के पद निकले हुए हैं, प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन के पद निकले हुए हैं और प्राथमिक शिक्षक नृत्य, ये सब आप नोट कर लीजिएगा, मेरा जो मेन काम है मैं उस पर आता हूँ। देखिए और यहाँ पर आपसे बताया जा रहा है कि पद जो है, विषय शिक्षक जो है, पद की श्रेणी कैसी है, तृतीय श्रेणी है, अराजपत्रित है, माध्यमिक शिक्षक हैं जो, तो अराजपत्रित हैं। इसमें क्या क्या आना है, देखिए इसमें प्रारंभिक स्नातक उपाधि और 2 वर्ष का डिप्लोमा यानी कि बीएड। ओके, तो स्नातक प्लस बीएड लगेगा। संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ में 1 वर्षीय स्नातक बीएड यानी पुराने वाले जो बीएड थे 1 ईयर वाला बीएड भी लगेगा। ओके, संबंधित विषय में कम से कम 45% के साथ स्नातक उपाधि, इस संबंध में समय समय जारी मान्यता मापदंड और क्रियाविधि विनियमों के साथ शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आई हैं, देखिए एक तो आपके पास आया संबंधित विषय में कम से कम 50% और संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि। ओके, और इसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा शिक्षक शास्त्र में उपाधि बीएड। ओके, फिर से 50% है और 4 वर्ष का डिप्लोमा है, स्नातक है शिक्षा शास्त्र में जिसको बीएलएड बोलते हैं। देन इसके बाद 50 वर्ष के साथ सेकेंडरी या 4 वर्ष की स्नातक उपाधि यानी बीए बीएड, मतलब कि जिसको हम क्या बोलते हैं उसको साथ में किया जाता है ना, बीएड और बीएससी इंटीग्रेटेड, यस। चलिए ये हो गया, 5% तक की छूट दी जा सकती है अंकों में, किसके लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। और संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में शास्त्रीय उपाधि न्यूनतम, तो ये संस्कृत के लिए बात लिखी हुई है। चलिए अब देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर पदनाम है,
वर्ग, 50% अन्य के लिए 60%। तो ये पात्रता परीक्षा में न्यूनतम मिनिमम अंक तो एससी एसटी ओबीसी के लिए और जनरल के लिए जो है वो 60% है। ओके चलिए, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन वही पुराने वाले हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। और क्या है भाई मेन मेन चीज़ें मैं डिस्कस कर दूँ, 32,800 रुपये इसका ग्रेड पे है न्यूनतम वेतन, और आपके पास साथ में महंगाई भत्ता आपको दिया जाएगा। 2018 के नियम के अनुसार परीक्षा विधि में देय होगा, मतलब कि वही 70% 80% और 90% वेतन जो है आपको वो मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया सब कुछ। देन जनजाति की ये लिस्ट दी गई है। अब देखिए मेन हम बात करते हैं परीक्षा की, कि ये परीक्षा की टाइप कैसी होगी। तो परीक्षा में टोटल 150 अंक होंगे, 2.5 घंटे का पेपर है, एमसीक्यू के टाइप होंगे, प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। माय गॉड बहुत बेहतरीन, मतलब डिफिकल्ट हो रहा है मध्य प्रदेश का भी पैटर्न। हिंदी में 8 क्वेश्चन, अंग्रेजी में 5 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान में 7 क्वेश्चन, शिक्षा शास्त्र में 10 क्वेश्चन, और कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन आपके जनरल पेपर के हो गए। ओके 30 एमसीक्यू कितने मार्क्स के हो गए, 30 मार्क्स के हो गए। अब आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली पेपर डिज़ाइन होगा। जैसे गणित का आपका है तो गणित में 120 अंक के पेपर प्रश्न आएंगे, और 120 प्रश्न 120 अंक। तो इस तरीके से टोटल 150 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न पत्र का स्तर, तो पहला तो जो है आपका तार्किक वगैरह दिया हुआ है, घटनाक्रम जो भी होती है, पैडागॉजी वगैरह होती है, और इसमें देखिए पैडागॉजी के साथ साथ शिक्षा शास्त्र, जी हाँ, तो शिक्षा शास्त्र के 10 क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं है मगर फिर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि 30 नंबर वहीं पर जा रहे हैं। अब इसके बाद देखिए इसमें प्रश्न पत्र में क्या क्या है भाई साहब, इंग्लिश जो है 7 मार्क्स की जो अपने पास इंग्लिश आ रही है, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और समसामयिक, ठीक है ना। तो विस्तृत पाठ्यक्रम यहाँ पर बात की गई हिंदी की, तो हिंदी में देखिए गद्यांश, नाटक, मौखिक योग्यता, मतलब कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा और उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके देन इसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश में देख लीजिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब आपके पास 2 शॉर्ट पैसेज आएंगे, वोकैबुलरी आएगी। ओके देन उसके बाद फंक्शनल ग्रामर में ये सारी चीज़ें आएंगी, तो इनको भी अपन देख लेंगे। और इसके बाद सामान्य ज्ञान में ये देख लीजिए, तो खैर अनलिमिटेड है, इसको तो देख लीजिए, जो जो पॉइंट आपको पढ़ने हैं वो पढ़ लीजिएगा, जिससे कि काफ़ी कुछ ठीक रहेगा। सिलेबस को देख के पढ़ाई करिएगा, जिससे कि इधर उधर का ना पढ़े। तार्किक योग्यता में देख लीजिए जो जो चीज़ें हैं वो आप कर लीजिएगा, मैं भी कुछ करवा दूंगा। रीजनिंग एबिलिटी है, अच्छा वही चीज़ इंग्लिश में, वही चीज़ हिंदी में दे दी है, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, बाल विकास भाई साहब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए कर लेना क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में आता है ना। और ये देखिए बहुत बड़ा बाल विकास यहाँ पे है। ओके तो ये जो है बाल विकास काफ़ी बड़ा है, 10 क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा वो मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसके बाद आ गई है गणित, तो ये गणित का डिटेल सिलेबस दिया हुआ है कि गणित से ही, क्यों भाई शुरुआत गणित से ही करिए क्या, पहला सब्जेक्ट गणित ही डाल दिया। ओके देखते हैं भाई साहब, इसमें तो शुरुआत गणित से नहीं करी, गणित इसमें अंग्रेजी भाषा हिंदी गणित बाद में आई हुई है, अब देखते हैं। बट इसमें यहाँ पे इन लोगों ने मेन सिलेबस में गणित से शुरुआत करी है। देखिए गणित में क्या क्या आ रहा है, गणित में आ रहा संख्या पद्धति, बच्चों मैं आपको गणित अच्छे से पढ़ा दूंगा, इसमें बीज गणित आ रही है ये बहुत अच्छे से बता दूंगा मैं आपको, मूल अवधारणाएं आ जाएंगी इसमें, वृत्त की आ जाएंगी, त्रिकोणमिति आ रही है बहुत बढ़िया से, रचनाएं बता देंगे आपको, क्षेत्रमिति बहुत बढ़िया है, सांख्यिकी है, देन इसके बाद ब्रह्मांड मापन। अच्छा ये जो है ये टॉपिक आपका जो है ना, ये भी आ रहा है इसमें, गणित वाले में क्यों दे दिया भाई ये टॉपिक, गणित वालों को ब्रह्मांड मापन से क्या मतलब है, मापन, अच्छा द्रव्यमान आयतन वगैरह, पदार्थ की अवस्थाएं, बल, गति की, ताप, ऊर्जा, ये लो भाई ये चीज़ें आ गई हैं। फिर गणित की पैडागॉजी आ गई है, तो गणित की पैडागॉजी में गणित शिक्षण चिंतन, मतलब थोड़े क्वेश्चन पैडागॉजी के भी रहेंगे, गणित की भाषा, ये वही पुराना सिलेबस है। देन इसके बाद विज्ञान आ जाइए, विज्ञान के 120 प्रश्न में देखिए क्या क्या आएगा, ब्रह्मांड आएगा, मापन, समय, पदार्थ, ये सब आ जाएगा, फिर पदार्थ की अवस्थाएँ, ये सब मतलब पदार्थ की अवस्थाएँ, फिर भोजन एवं शास्त्र में स्रोत घटक, भोजन के पदार्थ संरक्षण, फिर सजीव जगत वर्गीकरण संरचना। ओके फिर मेरे देखिए बल, गति, कार्य, ऊर्जा, ताप, हमारे आसपास का वातावरण, प्राकृतिक घटनाएं, वस्तुएं कैसे काम करती हैं, खनिज संसाधन, ये पर्यावरण वगैरह, ये सारे के सारे टॉपिक आ गए। चलो रे ठीक है, फिर विज्ञान की पैडागॉजी आ जाएगी, तो विज्ञान की पैडागॉजी के इश्यूज हैं। सामाजिक विज्ञान वाले देख लें अपना सिलेबस, मेरा तो कोई लेना देना है नहीं, सामाजिक विज्ञान वाले सिलेबस देख लें अपना, ये सामाजिक विज्ञान का सिलेबस है। देन इसके बाद सामाजिक विज्ञान की भी पैडागॉजी आ रही है। फिर हिंदी भाषा वाले 120 प्रश्न में सिलेबस देख लें, हिंदी भाषा में देखिए आपकी भाषाई समझ, अवबोध, अपठित गद्यांश, निबंध लेखन,
ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं, हिंदी में बहुत बड़ा सिलेबस है। देन इसके बाद इंग्लिश की 120 क्वेश्चंस, ये है इंग्लिश का सिलेबस। देन इसके बाद संस्कृत का सिलेबस है ये। ओके, आप लोग डिटेल में आपको मिल गया होगा पीडीएफ। चलिए, तो ये सारा का सारा सिलेबस था। देन इसके बाद है माध्यमिक सूची, इसमें आपकी ये दी गई है कि आपको क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशंस आपकी होनी चाहिए। विज्ञान के लिए क्या गया, विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किन्हीं दो विषयों के साथ आपको उपाधि, मतलब रसायन शास्त्र हो और साथ में वनस्पति हो, या प्राणी विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी, मतलब दो सब्जेक्ट होनी चाहिए यहाँ पर आपको, ठीक है ना। तो ये आपकी इस हो जाएगी। फिर ये खेलकूद के नियम है, तो भाई जो खेलकूद वाले अपने टीचर है वो इस पर ध्यान देंगे, खेलकूद के नियम ये हो जाएंगे। ओके, एंड देन इसके बाद परीक्षा की योजना, देखिए शिक्षा शास्त्र जो है, ओके, पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, इनके चार प्रश्न होंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 15 क्वेश्चन, 15 MCQ, हिंदी में से कोई एक, लैंग्वेज, देश एवं शारीरिक शिक्षा। अच्छा, ये उसके लिए आप लोग जो लोग BPED वाले करके आए हुए ना, उनको शिक्षक बनने के लिए ये चीज़ें दी गई हैं। ओके, तो ये BPED का सिलेबस है। चलिए, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आगे जाऊँगा। तो मेन अपने टास्क जो बात थी वो थी हम लोगों को जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, सामाजिक विज्ञान। देन इसके बाद गायन वादन के जो पार्टिसिपेंट हैं वो गायन वादन देख लेंगे, तो ये गायन वादन वाली बात हो गई। ओके, देन इसके बाद पात्रता संबंधी विभिन्न नियम दिए गए हैं, ये सारे नियम आप लोग को, खैर अभी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप लोग अपने सब्जेक्ट पर ध्यान लगाइए। देन इसके बाद ये प्राथमिक खेल शिक्षक, मतलब एक कह लीजिए कि जो वो है एग्ज़ाम निकाला गया है प्राथमिक का और उसका एक ही साथ में निकाला गया, ये नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक, काफ़ी बड़ा PDF यहाँ पे दिया है। देन इसके बाद जो है आपको फाइनली ये दिया गया किन शहरों में परीक्षाएं आपकी होंगी, तो आपके जो शहर हैं एक बार मैं भी देख लेता हूँ शहर कौन कौन से हैं। भाई साहब ये लीजिए, काफ़ी कम शहर हैं, कुछ शहर कम कर दिए गए हैं, पहले काफ़ी ज़्यादा शहर थे, इसको कुछ कम कर दिया गया है। खैर, तो ये आप सारा PDF पढ़ लीजिए और ये इसको PDF को पढ़ने के बाद अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और मित्रों, मेन बात ये है कि इस में मैथ्स और साइंस के कोर्सेज मैं चलाऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे टोटल कोर्सेज, आप लोग आकर के जुड़िएगा और उन कोर्सेज से फ़ायदा उठाइएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, शुभ रात्रि।